झरिया मारपीट मामले में रागिनी सिंह के रेप तिथु में एसएसपी से मिला प्रतिनिधिमंडल। पिछले दिनों झरिया ईस्ट भगड़ी में मामूली पानी विवाद को लेकर हुए मारपीट एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी मामले में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी संजीव कुमार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को अवगत कराया कि झरिया पुलिस की अनदेखी के कारण झरिया विधायक के समर्थकों द्वारा आए दिन गुंडई एवं छेड़खानी के मामले चरम पर है। बावजूद इसके झरिया पुलिस सत्ता के प्रभाव में इस पर अपनी चुप्पी साध रखी है। भुक्तभोगियों के द्वारा लगातार फोन करने के बावजूद झरिया पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। झरिया पुलिस उल्टे भुक्तभोगियों पर ही कार्रवाई कर रही है। ऐसे में झरिया पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। मीडिया से बात करते हुए रागिनी सिंह ने कहा कि ऐसे ही भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से प्रशासन के उच्च अधिकारियों की बदनामी होती है। वही उन्होंने बताया कि धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने आश्वस्त किया है कि कानून सबके लिए एक है और इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई होगी। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए जनता के द्वारा 100 नंबर डायल करने के बावजूद अगर किसी भी थाना क्षेत्र के थानेदार या अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित क्षेत्र के थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लगातार वहाँ रंगदारी और गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। और आज जो परसों जो घटना हुई है हमारे बच्ची के साथ, वहाँ दो चार बच्ची हैं, बेटी है, और यहाँ परिवार आए हुए हैं पीड़ित परिवार से, काफ़ी लोग और भी हैं जो वहाँ के सबसे अगर भ्रष्ट थानादार है झरिया थाना, जो अगर बोले तो सत्ता के दबाव में पैसा का बिकाऊ, उससे घटिया थानादार हम लाइफ में पहली बार देखे हैं। जो एक हमारे बच्ची के साथ लगातार 2 घंटा शोषण, और इस तरह से पानी तो एक बहाना था, पानी के दौरान इसे छेड़खानी किया गया, और देर रात जब गया इसके घर में 10 गुंडा रघुकुल के घुसे सत्ता के ध्वस दिखाते हुए, और इनके आर्मी के भाई अपनी बहन को सुरक्षा करते हुए, बल्कि वो पूरे देश के जो आज के डेट में हम लोग सम्मान करते हैं, देश के रक्षा करने वाले हमारे भाई होते हैं, और अपने ही बहन के नहीं, हमारे सारे जो जवान होते हैं, देश के सारी बहनों को रक्षा करने वाले भाई होते हैं, वो भाई अपना फर्ज किए, वो भक्षक इस तरह से मारा इनके भाई को, उनका नियत गलत था और नियत कामयाब नहीं होने दिए वो भाई अपनी जान पे खेलते हुए, बल्कि उनके साथी भी सहयोग किया, और बल्कि एक नहीं 4 बच्चियों को रक्षा किए। और उस दौरान ये दुर्भाग्य है हमारे झरिया के लिए कि लगातार ये लोग कॉल किया झरिया थाना में, लेकिन झरिया थाना बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, और हमला जो करने वाला व्यक्ति गुंडा रघुकुल के जो भेजा हुआ गुंडा सीधे बोल रहा है कि झरिया थाना तो मेरे हाथ में है। इतना मनोबल बढ़ गया है। आप लोग के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे बहन हमारे बेटी के साथ इज्जत पर खिलवाड़ हो। छोटा मोटा पानी का समस्या को लेकर के हम लोग गुंडागर्दी हुआ हम लोग के घर में, कोई बड़ा बात था नहीं, वो लोग गलत नियत से आया था हम लोग का घर, ठीक है। ये 9 तारीख की घटना है। हम लोग 8 तारीख को ये घटना हुआ था, हम लोग झरिया थाना में आवेदन दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग के पास, लेकिन वो लोग बोलो धमकी दिया था कि तुम लोग को गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा वीडियो वगैरह हम लोग सब झरिया थाना को दिखा। पंकज झा को वो बोला हम पूर्णिमा सिंह का आदमी है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका नाम कारू पांडे, शेखर तिवारी, पंकज तिवारी, विक्की गोप, चंदन वर्मा, हरदन तिवारी, सोनू तिवारी, रवि तिवारी, सब एक ही खानदान का है।